नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जहां बहराइच शहर के कोतवाली नगर इलाका घंटाघर स्थित कपड़े और बिस्कुट की दुकान में अचानक से आग लग गई। फैशन ट्रेडिंग शॉप और बिस्कुट की दुकान में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वही अग्निशमन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया। सुरक्षा को लेकर के मौके पर पहुंची नगर कोतवाली और घंटाघर चौकी की पुलिस जुटी हुई है कि किसी तरह से आग पर काबू पाया जाए। हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं हुई है। मौके पर पहुंचे राजस्व टीम के ने नुकसान के आकलन में जुटी हुई है कि कितने का नुकसान हुआ है इसको आंक रही है। वही हापुड़ में तैनात रिश्वतखोर टीटी हंसराज मीना निलंबित हो गए हैं। वही अगली खबर हापुड़ से आ रही है। दरअसल हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात टीटी हंसराज मीणा को रिश्वत लेने के मामले में निलंबित किया गया है, जिससे बाकी के टीटी और अधिकारियों में हड़बड़ी की स्थिति बनी हुई है। मामले से जुड़ा हुआ वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और आरोप है कि हंसराज मीणा ने लोगों से रुपए लेकर टिकट बेचे हैं। रिश्वतखोर के खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल 26 अक्टूबर को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद से मामले की जांच की गई तो पता चला कि वीडियो नौचंदी एक्सप्रेसवे का है और जहां पर हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात टीटी हंसराज मीणा एक्सप्रेस ट्रेन लोगों से रुपए लेकर के उन्हें अवैध रूप से सीट बेच रहे थे। वही आपको बताते चले कि सहारनपुर वाया हापुड़ होते हुए प्रयागराज तक जाने वाली नौचंदी एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री को सीट दिलाने के लिए टीटी रिश्वत ले रहा था, जिसका किसी ने अचानक से वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद से अब क्या होना था, लोगों को ये वीडियो देखने के बाद से अचंभा हुआ और अचानक से ये वीडियो खूब वायरल हो गया। मामला संज्ञान में आने पर अधिकारियों ने जांच के लिए कमेटी बिठाई और मुरादाबाद रेल मंडल के सीनियर डीसीएम ने टीटी को निलंबित कर दिया। वही अगली खबर उन्नाव से आ रही है। दरअसल बहन के घर आए हुए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवक अपनी बहन के घर आया हुआ था बमहना गांव में, वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक युवक भांजे के साथ दिल्ली में नौकरी करता था। मृतक युवक के शरीर पर चोट के काफी ज्यादा निशान मिले हैं। परिजन और ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। वही मृतक युवक अचलगंज थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरा मामला सफीपुर थाना क्षेत्र के बमहना गांव का बताया जा रहा है। फतेह बहादुर सिंह निवासी ग्राम बबना थाना सफीपुर द्वारा थाना पुलिस को सूचना दी गई की उनके मामा छुन्नू सिंह निवासी ग्राम जड़वा थाना अचलगंज, जो कल रात में अपनी बहन के आए हुए थे, आज घर के अंदर उनका शव मृत अवस्था में प्राप्त हुआ है। इस सूचना के प्राप्त होने पर तत्काल सफीपुर पुलिस द्वारा मौके पर जाकर के घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया। शव कब्जे में लेकर के पंचनामा कार्रवाई करने के उपरांत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना से संबंधित सभी बिंदुओं की मौके पर जाँच की जा रही है और प्राप्त तहरीर के अनुसार उचित धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया जाएगा और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया। हापुड़ में डीजीपी के निर्देश पर शनिवार की शाम मेरठ रोड पर धुंधल समाज के लोगों के साथ एसपी अभिषेक वर्मा ने दीपावली मनाई। आपको एक छोटा सा बता दें कि प्रयास किया गया कि किसी के चेहरे पर खुशी लाई जा सके, इसी के चलते दीपावली के शुभ अवसर पर एसपी द्वारा बुजुर्गों मासूम बच्चों को मिठाई दिए मोमबत्ती फल उपहार देकर के वितरित किया गया और उनके साथ दिवाली मनाकर उन्हें अपनेपन का एहसास किया गया। समाज के सभी वर्गों के साथ हमारा ये दायित्व त्यौहार की खुशियाँ बांटे और उसी के लिए खुशियाँ बांटने के लिए आज हम यहाँ बच्चों के बीच में आए और उनको उपहार से चॉकलेट और मिठाइयाँ।
अच्छा सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारे यहाँ पुलिस आप देख रहे हैं, गुजरात पुलिस होती है, चाक चौबंद व्यवस्था है, सभी सराफा मार्केट सभी व्यापारियों के साथ गोष्ठी भी की है और सभी ऐसी जगह जहाँ से हम लगता है कोई अवांछनीय तत्व आ सकते हैं चेकिंग की भी व्यवस्था। रुकेगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। असल वजहों की होगी तलाश, जहन में उठे हर सवाल पर होगी बात, हर वो सवाल जो है आपके लिए अहम, बताना है हमारी जिम्मेदारी। देखिए हर वो खबर जो बनती है आपकी पावर, अभी डाउनलोड करें न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप और बने समाज की आवाज। न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण और मेरे साथ मौजूद है हरीश असवाल जी, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस 3 साल के सफर में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जी हां, हमने न्यूज वॉल इंडिया ऐप लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप हमसे और आसानी से जुड़ सकते हैं, और इसके पीछे क्या मकसद है वो हरीश जी हमें बताएंगे। जी काजोल, इसमें हमारा मकसद बहुत साफ है, हम घर घर तक गली गली तक इससे जुड़ना चाहते हैं, हर परिवार से हम जुड़ना चाहते हैं, इस परिवार के साथ जुड़कर उनकी समस्याएं, कोई भी उसके आसपास होने वाली समस्याएं, वो हम तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। जस्ट आप अपने मोबाइल से एक वीडियो बनाएं और इसमें अपलोड कर दें, तो उससे अपलोड करने से पहले ऐप को डाउनलोड करें और घर बैठे आप रिपोर्टर बने। आपकी खबर अगर हुई बेहतरीन और किसी की हुई मदद तो आपको हम इनाम भी देंगे। तो अभी डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप, यहाँ आपको हर तरह की खबर मिलेगी, आपके सरोकार की खबर मिलेगी। तो सोचिए मत, करिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया ऐप डाउनलोड और बनिए समाज की ताकत। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जो अगली खबर प्रयागराज से आ रही है। दरअसल वीडियो स्क्रीन पर दिख रही सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे संगम नगरी प्रयागराज से। गोहनिया बाजार की है ये तस्वीर, जहां कल लगभग शाम 8 बजे के करीब लोग घर में दिवाली मना रहे थे, तो वही एक परिवार जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। बताया जा रहा है कि सराफा और बर्तन के व्यापारी अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है, सीधा सवालिया निशान घूरपुर पुलिस के ऊपर खड़ा हो रहा है, जहां एक तरफ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बाजारों और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त करने को बोला गया है, वहीं घूरपुर थाना प्रभारी गोहनिया चौकी प्रभारी अपने बाजार का ही भ्रमण करते हुए नहीं दिखाई दिए, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। 500 मीटर की दूरी पे पिंक बूथ बना हुआ है आज से 15-20 दिन पहले, और शरारती तत्व इतने अराजक हो गए हैं कि दुकान बंद करते समय दुकान में घुस गए और हाथापाई होने लगी, और सबके हाथ में कट्टा बंदूक सब रखा हुआ था, सबसे छीना झपटी हुई और दो को हम लोगों ने पकड़ लिया और 4 फरार। आपका नाम? उमा शंकर साहू। किस चीज का दुकान है? बर्तन और ज्वेलरी का। तो आपका क्या चीज ले गए हूँ अपने पास? मंगलसूत्र मिसेज का छीन कर भाग गए। एक वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि दीपावली से चंद दिनों पहले का है, जहां पर अमेठी के किसी गांव में दया शंकर यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमेठी, और जगदीशपुर से विधायक सुरेश पासी, अमेठी सांसद स्मृति ईरानी द्वारा भेजी गई साड़ियों को वितरित करने पहुंचे थे, जहां पर दया शंकर यादव को ये कहते हुए साफ साफ तौर पर सुना जा सकता है कि अगर बहन बेटी उपहार भेजे तो उसको लिया जाता है और बदले में आशीर्वाद के साथ कुछ ना कुछ दिया जाता है, नहीं तो पाप लगता है। तो अगर दीदी ने हमको गिफ्ट किया है तो हमें भी उनको वोट देना है, और उनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, उनको जिताना है। जब वोट पड़ेगा तब तक ये साड़ी पुरानी नहीं होगी, इसी को पहनकर वोट देने जाना है। उनका साफ तौर पर इशारा आने वाले चुनाव में स्मृति ईरानी को वोट देने से था। इसी के साथ साथ सामने बैठी चुनाव चिन्ह पर सवाल भी पूछा गया, और पूछते हुए वो बताते हुए ये नजर आए कि आप सभी को स्मृति ईरानी को ही वोट देना है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये अलाउड है कि किसी भी नेता को पहुंच करके अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के इस तरीके से प्रचार करना और लोगों पर प्रेशर डालना। अगली खबर उत्तरकाशी से आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं, टनल के पास पहुंच चुके हैं और वहां पर पहुंच करके उन्होंने सिलक्यारा में कहा कि सुरंग में फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकालना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। घटना के बाद से ही लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं मुख्यमंत्री। वही आज पूर्वाहन सिलक्यारा पहुंचकर मौके का जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए बचाव राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही ना हो इसको लेकर के लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने सुरंग में पहुंचकर अधिकारियों से हादसे के संबंध में पूरी जानकारी ली। साथ ही मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है, पूरी रात रेस्क्यू चला है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम साथ ही रेलवे और विशेषज्ञों की टीम मौके पर जुटी हुई है। सुरंग में फंसे लोग पूरी तरह से ठीक हैं, उनसे बातचीत हो पा रही है। उन्होंने प्रभावित परिजनों को आश्वासित भी किया है कि सुरंग में फंसे हुए लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।